हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम एक और ऐसी नई साउथ इंडियन मूवी की बात करने वाले हैं जो आपको जल्दी टेलीविजन पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो उस मूवी का नाम है ओडियान। ओडियान 2018 की मलयालम लैंग्वेज फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है V.S. श्री कुमार मेनन ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे मोहनलाल, प्रकाश राज और मंजू वॉरियर। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इनोसेंट सिद्दीकी, मनोज जोशी, नंदू, नरेन और कैलाश। ओडियान मूवी को मलयालम लैंग्वेज में 14 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था जिसको IMDb में 5.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिस्पांस मिला था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हिट साबित हुई थी, जिसके हिंदी डब वर्जन रेट सोल्ड आउट किए हुए एस्ट्रल मूवी नेटवर्क ने, जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेम नाम यानी कि ओडियन के ही नाम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाई हुई है। और ये मूवी आपको जल्दी टेलीविजन पे 12 जनवरी को रात को 8 बजे के टाइम पे जी सिनेमा चैनल पे हिंदी डब में सेम नाम यानी कि ओडियन के नाम से देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि 2018 की मलयालम लैंग्वेज फैंटेसी ड्रामा फिल्म ओडियन, जिसका हिंदी डब वर्जन अब आपको सेम नाम यानी कि ओडियन के ही नाम से जल्दी टेलीविजन पे 12 जनवरी को रात को 8 बजे के टाइम पे जी सिनेमा चैनल और जी सिनेमा HD चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा। तो अब बात करें YouTube प्रीमियर की, तो एस्ट्रल मूवी नेटवर्क के द्वारा अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है कि वो ये मूवी YouTube पे कब तक ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे, लेकिन जी सिनेमा पे प्रीमियर हो रही है तो शायद Zee5 ऐप पे ये मूवी आपको टेलीविजन प्रीमियर के बाद में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज YouTube पे अनऑफिशियली भी ये मूवी हिंदी डब में टेलीविजन प्रीमियर के बाद देखने को मिल जाएगी। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतनी ही अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस फैंटेसी ड्रामा फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवीज की अपडेट के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।